हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सोमवार को राजस्थान में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। अपने विधायकों के दल बदल को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस पर जमकर बरसी। मायावती ने कहा कि कांग्रेस उन पार्टियों को हमेशा चोट पहुंचाती है जो उसे समर्थन देती हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। राजनीति की गलियां कब किसके लिए तंग हो जाएं? कोई नहीं समझ सकता। राजस्थान के सियासी रण में रात अचानक तब भूचाल आ गया जब बसपा के 6 विधायक गहलोत सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 100 से बढ़कर 106 हो गई है। इससे पहले राज्य में कांग्रेस सरकार को बसपा का बाहर से समर्थन मिला था। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि सभी विधायकों का कांग्रेस में विलय पत्र मिल चुका है और अब इसमें किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं है। ऑफिशियली हम लोग पत्र दे चुके हैं, बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं उनका क्या कहना है तो आप मरीबाजी परिचित हैं, लेकिन हम लोग दे चुके हैं सभी 6 के 6 विधायक। हम अभी माननीय सीपी जोशी साहब से मिल गए हैं, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और हमारा जो अपना काम था और बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने थी। एक तरफ हम कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनसे अपने क्षेत्र के विकास के कार्य करा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हम उन्हीं के खिलाफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें थी, उनको बहुत गंभीरता से हमने लिया और अब आगामी जो पंचायत के चुनाव है उनको भी बहुत गहराई से हम लोगों ने, सभी साथियों ने विचार किया। और वहीं अब इस मामले में मायावती ने कांग्रेस पर खुलकर प्रहार किया है। मायावती ने लिखा, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक बार फिर बीएसपी के विधायकों को तोड़कर गैर भरोसेमंद और धोखेबाज पार्टी होने का प्रमाण दिया है। ये बीएसपी मूवमेंट के साथ विश्वासघात है जो दोबारा तय किया गया है। जब बीएसपी वहां कांग्रेस सरकार को बाहर से बिना शर्त समर्थन दे रही है, कांग्रेस अपनी कटु विरोधी पार्टी या फिर संगठनों से लड़ने की बजाय हर जगह उन पार्टियों को ही सदा आघात पहुंचाने का काम करती है जो उन्हें सहयोग या समर्थन देते हैं। कांग्रेस इस प्रकार एससी एसटी ओबीसी विरोधी पार्टी है और इन वर्गों के आरक्षण के हक के लिए कभी गंभीर और ईमानदार नहीं रही है। कांग्रेस हमेशा ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी मानवतावादी विचारधारा की विरोधी रही। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस ने उन्हें ना तो कभी लोकसभा में चुनकर जाने दिया और न ही भारत रत्न से सम्मानित किया। अति दुखद और शर्मनाक। कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के नाम, राजेंद्र गुढ़ा झुंझुनू, वाजिब अली नगर भरतपुर, जोगिंद्र अवाना नदबई भरतपुर, संदीप यादव तिजारा अलवर, दीपचंद खेरिया किशनगढ़ बास सलवर, लाखन सिंह करौली, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट इस पूरे घटनाक्रम से दूर रहे हैं। बाद में विधायकों के शामिल होने के बाद अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश को नए विकास पथ पर ले जाएंगे। स्थायी सरकार के लिए राज्य हित में बसपा विधायकों का ये फैसला स्वागत योग्य है, उनकी भावनाएं अच्छी हैं। हम सब मिलकर राजस्थान को विकास के नए पथ पर ले जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2009 में भी इसी तरह बसपा के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल किया था। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक के ड्रामे से सबक लेते हुए अपनी सरकार को मजबूत स्थिति में ला दिया है, क्योंकि विधायकों को खरीद फरोख्त के दौर में कौन किसको समर्थन दे पता नहीं चलता। उधर मायावती की नाराजगी से कांग्रेस अब बेपरवाह नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद खुद मायावती अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुकी है, इसलिए वो खुद कब किस पाले में चली जाए ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।